इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, पर गद्दार है पर वो मूल रूप से तो कांग्रेस के लोग हैं ना। कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। 20 मार्च दिन शनिवार को सागर जिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया और इसी संबंध में हुई प्रेस वार्ता में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि आज से ठीक एक साल पहले यानी 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया था और इसीलिए आज के दिन को कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। बीते दिनों मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के बारे में पूछने पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना था कि जीत असल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ही हुई है जो कि पार्टी छोड़कर भाजपा में बाद में शामिल हुए। इनकी नींव कांग्रेस से ही रखी गई है। कांग्रेस से भाजपा में गए लोगों को कांग्रेस नेता द्वारा गद्दार कहकर भी संबोधित किया गया। कांग्रेस जनों का कहना है कि कुशासन से त्रस्त होकर मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन भाजपा ने असंवैधानिक तरीके से खरीद फरोख की राजनीति खेली है। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा और जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया और तिरंगा यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वीडियो संदेश भी प्रदर्शित किया गया। मेरी कौन सी गलती थी, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने किसानों का कर्जा माफ करने की योजना की शुरुआत करी, मैंने बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट, किसानों के लिए बिजली में राहत, कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया कि मैंने गौशाले बनाए? ये मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की आम जनता से, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि कौन सा पाप, कौन सी गलती कमलनाथ ने करी थी जो है आप सबके सामने है। आज 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 मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में क्या हमारी नीति और नियत थी। देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है और इस सिलसिले में आज मैं सागर आया हूं और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर एक सरकार का गठन धन बल से किया है और अगर इस तरह की चीजें होती रहीं तो जनतंत्र का, जनता के मत का और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस विचारधारा का विरोध किया। हमने इस सरकार को बचाने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी सौदेबाजी की राजनीति नहीं करना चाहते। हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल से ये सरकार बनाई है, अनीति पूर्वक ये सरकार बनाई है, षड्यंत्र के साथ ये सरकार बनाई है, जबकि जनता ने मताधिकार कांग्रेस पार्टी को दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया था, 5 साल हमको सरकार चलाने के लिए उन्होंने अधिकार दिया था जिसका कि उन्होंने हनन किया। तो सर, दोबारा सरकार क्यों नहीं बन पाई? नहीं देखिए, दोबारा मतलब क्या, अभी से चुनाव होंगे तो बन जाएगी? नहीं नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि उपचुनाव की बात। देखिए, उपचुनाव की राजनीति आपको मालूम है वहां पे क्या हुआ और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जो उपचुनाव में जीते हैं वो सब कांग्रेस के लोग ही तो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जीते नहीं है। हमारे यहाँ से जो लोगों को आयातित करके ले गए थे उन्हीं को तो उन्होंने जिताया है ना। भारतीय जनता पार्टी जीती हो तो बताएं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जीता हो तो बताएं, उनके नेताओं को तो कोई जीत मिली थी ना। सदस्यता तो कोई भी किसी की भी ले सकता है, ले ले, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, पर गद्दार हैं पर वो मूल रूप से तो कांग्रेस के लोग हैं ना। सर, दमोह में होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कहें जी? दमोह में होने वाले दमोह चुनाव हम जीतेंगे, पूरे भारी बहुमत से जीतेंगे। वो राहुल लोधी जो कि स्वयं कहते थे कि 35 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया है, एक एक मत की कीमत 5300 है, 5300 रुपए एक एक मत की कीमत लेना और फिर इनको वोट देना। तो अब जो राहुल लोधी ये बात कहता था, अब हम कहेंगे कि भाई तूने 5 35 करोड़ रुपया लिए हैं और जनता की पीठ में छुरा भोंका है।
उधर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सिर्फ जयंत मलैया के कदम का इंतजार किया जाए? नहीं देखिए, हमारे पास अपने कैंडिडेट हैं। अभी परसों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग भी हुई थी और जो हमारे प्रभारी हैं वो सब वहां पे आए थे, हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री वहां पे थे और सबने बहुत डिस्कस किया है। 8-10 लोग हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं, उनका चयन किया जा रहा है, माननीय कमलनाथ जी के सामने रखा जाएगा, हमारा सर्वे है उस सर्वे को रखा जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। जयंत मलैया यदि चुनाव लड़ना चाहेंगे कांग्रेस से तो वो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी? देखिए ये हाई लेवल कमेटी का मामला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब स्पेकुलेशंस हैं। आज जो हकीकत है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। समय बदला, सोच बदली, लेकिन समय के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स, वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में।